देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। एक इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए इनको दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने केस दायर किया था कि मेरी अरेस्ट गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्रेयर मॉडिफाई किया कि मुझे बेल दिया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए एक तारीख तक का बेल दिया गया है और दो तारीख को उनको फिर से एजेंसियों के सामने सरेंडर करना है। और अगर अरविंद केजरीवाल इस चीज को क्लीन चिट मानते हैं तो मुझे लगता है इनकी कानून की समझ बड़ी निर्बल है। अमित भाई, मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। अमित शाह जी, सबसे बड़ी बात जो पूरे देश के लिए और विशेषकर एसटी एससी ओबीसी के लिए हानिकारक है, इन्होंने 4% मुस्लिम आरक्षण तेलंगाना के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। ये 4% मुस्लिम आरक्षण सीधा सीधा एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण पर, रिजर्वेशन पर डाका है। और हम ये निश्चित रूप से कहते हैं, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, यहां से हम मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, बीआरएस के घोटाले की बड़ी सूची मेरे पास है और कांग्रेस के घोटाले की बड़ी सूची भी मेरे पास है, मगर मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता, परंतु कांग्रेस की वादा खिलाफी के बारे में जरूर कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख रुपया का कर्ज माफ करेंगे और यह भी कहा था सोनिया जी के जन्मदिन के दिन पर कहेंगे। हम सब तो मानते थे सरकार बनेगी तो कर देगा, मगर उसमें एक पेच था, सोनिया जी के कौन से जन्मदिन पर वो नहीं कहा। तो सरकार बनने के बाद इतने दिन हो गए, मगर 2 लाख क्या 2 रुपये का भी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। किसान को हर साल 15,000 देने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। खेती हर मजदूरों को 12,000 देना था, वो भी पूरा नहीं हुआ। हर क्विंटल अनाज पर एमएसपी पर 500 रुपया बोनस देना था, वो भी नहीं दिया। स्टूडेंट को 5 लाख तक की क्रेडिट लाइन देनी थी, वो भी नहीं दिए गई। बच्चियों को कॉलेज जाते वक्त स्कूटी देने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। हर मंडल में एक इंटरनेशनल स्कूल खोलने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। वादा एक ही पूरा हुआ जो उन्होंने अपने हाईकमांड को किया था कि पूरे भारत के चुनाव लड़ाने का फंड वो तेलंगाना से भेज। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को, रेवंत रेड्डी जी ने तेलंगाना को कांग्रेस का एटीएम बनाने का काम किया है। मित्रों,